जय श्री राम किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम फार्मिंग में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सोयाबीन की कुछ वेराइटियों के बारे में जानकारी ली है इस चैनल के माध्यम से। आज हम आपको गेहूं के इंदौर की जो HI की वेराइटी है HI 8777 के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। यह वेराइटी कितने पानी की है, किस टाइप की मिट्टियों में पैदा हो जाती है, कितनी इसकी उम्र है, क्या पैदावार देती है, ये इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल में जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं करते, वो अपने चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। किसान भाइयों, आज हम HI 8777 वेराइटी, जो इंदौर की वेराइटी है, यह HI की जो वेराइटी है, जैसे 8777, 8759, 8837, उन्हीं में से एक वेराइटी है। लेकिन यह वेराइटी किसी भी मिट्टी में अपनी उपज दे सकती है। इस वेराइटी की यह खासियत है कि यह कम पानी में भी पैदावार आ सकती है और जितना अच्छा अपन पानी इसमें देते जाएंगे, इसकी पैदावार उतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम इसके उम्र की बात करें तो यह वेराइटी 120 दिनों से लेके तो 130 दिनों तक की वेराइटी है। हमने इसको 14 नवंबर को बोया था, आज लगभग ये 90 दिनों की हो गई है और फुल इसमें बालियां आ चुकी है और ये फूल अवस्था पर है। मेरे हिसाब से ये 125 दिनों के लगभग ये पक जाएगी। इस वेराइटी में ये खासियत है कि ये 2 पानी से 4 पानी में हो जाती है और जैसे जैसे आप इसमें अच्छा खाद बीज दे, मतलब बीज पानी देंगे और अच्छा खाद देंगे, तो इसकी पैदावार भी अच्छी बढ़ती चली जाती है। यह वेराइटी मेरे हिसाब से 3 से 4 पानी में लगभग 25 से ऊपर उपज दे सकती है एकड़ के हिसाब से, 25 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से ये उत्पादन दे सकती है। तो 8777 वेराइटी एक अच्छा ऑप्शन है किसानों के लिए जो अच्छी उपज दे सकती है। मैंने अपने खेतों में भी लगाया है और अच्छा उत्पादन भी दे रही है, इसलिए मैं इसको अच्छा कह रहा हूँ, क्योंकि यह जो वेराइटी है ज़्यादा ऊंचाई नहीं लेती है तो इसके गिरने की संभावना भी कम होती है। और किसी किसान भाई के पास कम पानी है तो भी ये लगभग लगभग 25 टच हो जाती है 3 पानी में भी, इसलिए मैं इस वेराइटी को अच्छी किस्म कह सकता हूँ। तो किसान भाई इस वेराइटी को लगाकर अपने खेतों में अच्छी उपज ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको नई नई जानकारी देते रहें। जय हिंद।